नमस्कार, मैं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज में। अमेरिका की डॉक्टर केथी सुलिवर ने रविवार को अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज कराया है। 68 साल की डॉक्टर सुलिवन दुनिया की पहली ऐसी इंसान है जिन्होंने स्पेस की ऊंचाइयों को ही चूमा है और समुद्र के सबसे गहरे पॉइंट को भी नापा है। यही नहीं, अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा की पूर्व एस्ट्रोनॉट डॉक्टर केथी सुलिवन पहली अमेरिका महिला है जिन्होंने स्पेस में चहलकदमी की थी। अब उन्होंने पृथ्वी के सबसे गहरे मेरियाना ट्रेंच में 7 मील नीचे चैलेंजर डीप को भी छुआ है। डॉक्टर सुलिवन ने यह कारनामा एओस एक्सपीडिशंस नाम की लॉजिस्टिक कंपनी के साथ मिलकर किया है। उनके साथ एक्सप्लोरर विक्टर एल वेस्कोवा भी गए थे। दोनों ने चैलेंजर डीप पर करीब 1.5 घंटा बिताया। फिर करीब 4 घंटे बाद वे वापस अपने शिप पर पहुंचे और करीब 254 मील ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एस्ट्रोनॉट से बात की। डॉक्टर सुलिवन ने यह कारनामा करने के बाद कहा, एक एस्ट्रोनॉट और एस्ट्रोग्राफर हाइब्रिड होने की वजह से ये असाधारण दिन था। जीवन में एक बार होने वाला चैलेंजर डीप को देखना और फिर ISS के साथियों के साथ नोट्स की तुलना करना। मेरियाना ट्रेंच गुआम से करीब 200 मील साउथ वेस्ट दूर है। डॉक्टर सुलिवन ने 1978 में नासा को ज्वाइन किया था। वह उससे पहले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट के ग्रुप का हिस्सा थी जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया था। 11 अक्टूबर 1984 को वह स्पेस में चलने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। डॉक्टर सुलिवन स्पेस के अपने दूसरे मिशन में डिस्कवरी स्पेस शटल से गई थी। इस मिशन के दौरान हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। हबल पृथ्वी की कक्षा में घूमती ऑब्जर्वेटरी है जिसने पिछले 30 साल में अद्भुत नज़ारे कैमरे में कैद किए हैं। डॉक्टर सुलिवन को हमेशा से समुद्र और महासागर में खास दिलचस्पी थी। एस्ट्रोनॉट बनने से पहले वे ज्वालामुखी से महासागर कैसे बनते हैं इसे समझने के लिए सबमर्सिबल को इस्तेमाल के कोशिशों का हिस्सा रह चुकी है। बाद में वह नेशनल ओशनिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन की एडमिनिस्ट्रेटर भी बनी। अपनी इस ताजा एक्सपीडिशन के लिए वह लिमिटिंग फैक्टर सबमर्सिबल में सवार थी, जो अकेला ऐसा व्हीकल है जो चैलेंजर डीप तक पहुंच सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।